हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बताने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य के बारे में। चाणक्य की नीति हमें क्या उपदेश देती है, आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए, निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं, और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। जिस जीवन में मनुष्य को मान सम्मान नहीं मिलता, वह जीवन धन से भरपूर होने पर भी व्यर्थ है, धन नष्ट हो जाता है, परंतु आदमी का यश उसके मरने के उपरांत भी अमर रहता है। ईख, जल, दूध, मूल, कंद, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। भाव यह है कि यदि रोगी व्यक्ति औषधि, जल, दूध, फल आदि लेने के उपरांत कर्म कांड करता है, तो वह पाप कर्म का भागी नहीं होता। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है, उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान होती है। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इस कहावत में उपयुक्त श्लोक का ही भाव भरा हुआ है। यदि मनुष्य गलत तरीकों से कमाए धन का अन्न खाता है, तो उसकी संतान भी उसी तरह के गलत कार्यों में लग जाएगी। और यदि आदमी ईमानदारी से कमाए अन्न को खाता है, तो उसकी संतान भी ईमानदार होगी। इसलिए शुद्ध सात्विक और ईमानदारी से प्राप्त अन्न को ही खाना श्रेष्ठ है। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्न को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों में मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है, और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर भी फिर भी समुद्र में चला जाता है। दान की महिमा अपरंपार है, परंतु दान उसे ही देना चाहिए जो सुपात्र हो। सुपात्र के पास जाने से दान दी गई वस्तु अथवा धन का समुचित उपयोग होता है। कष्ट के पास जाकर दान की गई वस्तु का उपयोग स्वार्थ से प्रेरित होकर ही हो पाता है। मेघों के पास जाकर समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता है, और करोड़ों जीवों की प्यास बुझाकर फिर से सागर में जा मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उचित व्यक्ति को दिया गया दान ही अच्छा होता है। दुष्ट व्यक्ति को नहीं दान देने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक वयन यवन मच्छेद होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। यह तात्कालीन यवन आक्रमणकारियों से त्रस्त भारत भूमि की दारुण दशा देखकर ही आचार्य चाणक्य ने नयवों को चंडाल कहा है। यह यवन को आप अधर्मी भी कह सकते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। शरीर में तेल लगाने पर, चिंता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्ध ही रहता है, जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है, और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। आचार्य चाणक्य ने आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी जगह जगह अच्छा वर्णन किया है। इससे हमें पता चलता है कि उन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती हैं, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। तो आचार्य चाणक्य नीति इस पर क्या कहती है? यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्या को व्यवहार में नहीं लाता हो, तो उसका विद्या प्राप्त करना व्यर्थ है। इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति के जीवन को भी नकारा अर्थात व्यर्थ कहा गया है। भले बुरे की समझ तो समझदार अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को ही हो सकती है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को
जब इसका ज्ञान ही नहीं तो वह भला किसका हित कर सकता है। सेनापति के अभाव में सेना दिग्भ्रमित होकर नष्ट हो जाती है, और जिस स्त्री के सिर पर पति का साया ना हो उसकी रक्षा भला कौन करता है। सभी उसे पतन की ओर धकेलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है तथा पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही पुरुषों के लिए दुखदायी है। वृद्धावस्था में पत्नी ही सबसे बड़ा सहारा होती है और बचाकर रखा हुआ धन ही काम आता है। इससे आदमी भोजन के लिए पराधीन नहीं होता। अतः पत्नी भी यदि साथ छोड़ जाए तो बुढ़ापे के लिए थोड़ा धन बचाकर जरूर रखना चाहिए। यज्ञ ना करने वाले का वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। भाव के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, अतः सभी कार्यों में भाव अर्थात आस्था बेहद जरूरी है। तो इस लाइन को सुनिए, देखो चाणक्य की नीति क्या कहती है, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। लकड़ी पत्थर और धातु सोना चांदी तांबा पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्वान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपया से उसे वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शांति संतोष और दया से जीवन सुखमुख होता है और लालच आदमी का रोग रूपी अंधे कुएं में धकेल देता है। लालच बुरी बलाए की कहावत जगह प्रसिद्ध है, स्वार्थी आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। क्रोध और तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच बैतरणी नदी नरक में बहने वाली नदी है। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा सुख देने वाला है। क्रोध आदमी को मृत्यु की ओर धकेलता है, लालच अनेक कष्टों को जन्म देता है। विद्या मनोवांछित फल देने वाली है और संतोष से आत्म सुख मिलता है। गुड़ के रूप की शोभा होती है, सील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है, भोग से आशय यहाँ यह है कि धन का उपयोग जब तक सत्कर्मों में नहीं किया जाता तब तक धन की शोभा नहीं हो सकती। इसी प्रकार सौंदर्य तभी शोभा पाता है जब उसे धारण करने वाला गुड़ी भी हो। विद्या वही शोभित होती है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, और आदमी का शील स्वभाव उसके कुल की शोभा बढ़ाने वाला होता है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है। जिस धन का सिद्ध उपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। यह श्लोक उपयुक्त श्लोक जैसा ही है, इसे उलट कर कहा गया है। दोस्तों पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध है और पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। लज्जाशील वेश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। लोभ से प्रेरित ब्राह्मण आदर का पात्र नहीं रहता और महत्वाकांक्षा न रखने वाला राजा आलसी और आक्रमणीय होकर नष्ट हो जाता है। संकोच करने वाली वैश्या ग्राहकों को प्रसन्न न करने के कारण अपना धंधा चौपट कर लेती है, और वैश्यर्म कुलीन स्त्री दूसरों की विषय वासना का शिकार होकर पतित हो जाती है। विद्याहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने के क्या लाभ। विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देव गुणों में
समान पाता है। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्वान व्यक्ति का ही महत्व है। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है। विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्या से ही सब कुछ मिलता है। विद्या की सब जगह पूजा होती है। यश की प्राप्ति विद्या के द्वारा ही होती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान होगा उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होगा। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वे इस पृथ्वी पर बोझ हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर हैं वे भी पृथ्वी पर बोझ हैं। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। जिस धरती पर मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और मूर्खों की बहुतायत होती है, वहां के पुरुष पशुओं के समान होते हैं। ऐसे दुष्ट पशु रूपी धारी पुरुष धरती के लिए बोझ, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो